कलर की छाट लिया। मैंने छाट लिया, तू यहाँ ले ले, क्या हमेशा यूँ ही चलता रहे। मैंने कलर छाट लिया। आजकल ये कलर ट्रेंडिंग में जा रही है। सिमी के रिसेप्शन में बढ़िया लग रहा है, मस्त। बस थोड़ी सी मोटी हो गई, मुट्ठी आ गई है। तो गुड न्यूज बताया कब करेंगे अपनी रिवील। इतनी मोटी हो रही है, बताती क्यों नहीं है। हाय एवरीवन, तो गाइज हमारे सूट आए थे भात के, तो वही दीदी ने मुझे दिया, वही लेके आई थी गेट से, तो लाके उसने मुझे दे दिया। फिर हमारे पे चल गई मस्ती। फिर कलर की छाट लिया। मैं छोटा ना, तू यहाँ ले ले, क्या हमेशा यूँ ही चलता रहे। मैंने कलर छाट लिया। आजकल ये कलर ट्रेंडिंग में। ये भात की है या वैसी है? तो कितने रिसेप्शन में जाने की तैयारी? कुछ तैयारी ना, मेरी भी तैयारी करूंगी। मतलब अब ये भात के लेके आइए, अब जाएगी ये कपड़े लेने। क्या लाएगी? पता नहीं। और लेके आएगी अपने लिए एक ड्रेस और लाएगी और जाएगी रिसेप्शन में। ठीक है, ओके, जल्दी जा, फिर जल्दी ला। एक तो तन नहीं बजा लिए। मैं अभी तो अपने कपड़ा फैला रखा है। और बाय चांस ही वाल्टर वाल्टर की नाम नहीं होगा सही? तो आ जा, मेरे वो फिटाना है वाले, जो उनके डमी वाले पीस रहे हैं ना, मेरा लंबाई चौड़ाई में फिट आ जाऊं। ओके, टेंशन नहीं, ये फायदा है तेरा। चलो बढ़िया, जलिया। सो दीदी चली गई थी मार्केट और मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया। अभी होने वाली थी शाम, तो मैं सोची थी अभी शाम को किचन में जाने से पहले अपना थोड़ा बहुत हुलिया सुधार लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फटाफट सारे कामों में लगे रहते हैं। डीवा बहुत ज़्यादा तंग करती है और उसको ये होता है जितनी बार पानी दिखता है पानी में भीगती है, और बच्चे के जो सर्दियों में बार बार कपड़े चेंज करने बहुत ही आफत हो जाती है। तो मुझे अभी टाइम मिला, मैंने अच्छे से अपने बाल बाल कॉम करे, हल्का फुल्का मेकअप करा, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे कोई प्रमोशन नहीं है, जो भी मैं यूज़ करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लम का सिरम लगाया है बालों में, बहुत बढ़िया सिरम है। अभी मैंने पहले थोड़े दिन पहले इसकी वीडियो भी दिखाई थी, तो मैंने मंगाए थे ना ये इसका शैम्पू और मास्क और ये सिरम, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। सिरम भी इसका बहुत अच्छा है, एकदम बाल जैसे आपके अलझे अलझे हो ना, और सर्दियों में जैसे गर्म कपड़ों में फंस फंस के ये एकदम टूटने फूटने लगते हैं, तो सिरम वगैरह ज़रूर यूज़ करें विंटर्स में, तो एकदम से सुलझ जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लगाया गार्नियर का विटामिन सी का सिरम, जो बहुत बढ़िया है स्किन के लिए। विटामिन सी के सिरम्स बहुत बढ़िया होते हैं, बट मैं गार्नियर का यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो ये बहुत बढ़िया है स्किन के लिए ना। और कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमें स्किन पर सिरम और अपने ये सन प्रोटेक्ट क्रीम स्प्रे वगैरह इस टाइप की चीज़ें लगा लेनी चाहिए, ताकि स्किन हम मतलब एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रहे हैं तो बट डैमेज भी होने से बचाएं। देन मैंने यहाँ पे अप्लाई करा एक अच्छा सा फ्रेगनेंस मतलब परफ्यूम, और यहाँ पे मैंने लगाई है बीबी क्रीम। विंटर्स में मैं विंटर्स क्या समर घर में मतलब मैं बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड ब्लश अप्लाई करा है। यहाँ पे कुछ ड्रॉप ना बहुत कम ड्रॉप लगाते हैं, और इतनी ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन है बहुत बढ़िया मुझे लगता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। और अभी ये मेरा ना ख़त्म होने वाला है, मैं दोबारा भी इसको ऑर्डर करने वाली हूँ, और वैसे भी ना वहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं, तो मैंने सोचा वहीं मंगाऊंगी और आपको दिखा दूँ। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब आईफोन में जो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है ना मुझे ऐसा लगता है, तो उसके बाद भी इसमें बहुत अच्छी पिगमेंटेशन देख रही थी इसकी, तो बहुत बढ़िया से लगता है। एंड देन मैंने यहाँ पर अप्लाई करा मस्कारा। तो ये मेरा डेली का हल्का फुल्का मेकअप होता है। एंड ये है लास्ट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक, एक लाइट से शेड की मैंने लिपस्टिक लगा ली है, और इनके भी कॉम्बो वॉम्बो चल रहे हैं, वो आपको आगे व्लॉग में दिखेगा। 399 में 12 थी, वहीं से मैंने ले ली और वहीं से मैंने बिंदी वगैरह लगाई। तो अब ना सर्दियाँ आ गई हैं, और ये मैंने अपनी चिक्स जो थी ना ये खोल रखी थी, अब इनको मैंने बंद कर लिया है, तो काफ़ी टाइम से ना ये बड़ी हुई थी, अभी खुल नहीं रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना कैसे खोलूँ, मुझे लगा कहीं ये गिर ना जाए, बट हाँ जैसे तैसे मशक्कत करके मैंने ये खोल ही ली, और सोचा यहाँ से थोड़ा सा एरिया चेंज करती हूँ, इसको बंद करती हूँ, और ये खुल नहीं रही थी, तो मुझे चढ़ के ही ये मेहनत करनी पड़ी, यहाँ से हटाई है सब कुछ, खोली अपनी विंड्स ये चिक्स। तो दीदी मार्केट गई हुई थी और डीवा इस टाइम पे सो रही थी, तो मैंने सोचा ये टाइम फ्री है तो इसको थोड़ा बहुत किचन में लगाती हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने जल्दी से इनको खोल के, और सोचा यहाँ पे थोड़ी ना बंद करने से लाइट अंधेरा सा हो गया था, बट खोलने से क्या है सीधी हवा किचन में आती है, और काम भी हमारा किचन में होता है काफ़ी टाइम, तो उसको बंद करना भी ज़रूरी था। देन मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ना लाइट्स ऑर्डर कर दूँगी एलईडी,
बट वो ऑर्डर करूँगी और तब तक आएंगी, तो तब तक यहाँ पे अंधेरा रहने वाला था, तो मेरे पास ना वो दिवाली वाली लाइट्स बची हुई थी, तो सोचा अभी फिलहाल उन्हीं से जुगाड़ करती हूँ जब तक वो नहीं आती है। तो ये बंद कर ली थी और काफ़ी टाइम बाद ये खोली है ना, थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो सोचा चलिए पहले इनकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्लांटर लगाया, आर्टिफिशियल प्लांटर, और जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा था वो सब उनकी जगह पर रखा। तो अब ये शीट्स तो हो चुकी हैं चकाचक इसको साफ़ करने के चक्कर में, और अब हो गया था शाम का टाइम, थोड़ा बहुत राशन आया हुआ था तो वो भी मुझे भरना ही था, और इतनी देर में डीवा मैडम उठ चुकी थी, तो बट अभी वो लेटी हुई है, तो मैंने सोचा फटाफट ये पहले लाइट्स ही अप्लाई कर दूँ। मैंने लाइट्स लगाई और जैसे ये लगा के मैं हटी हूँ, इतने वो उठ के आ चुकी थी और देखते एकदम से बोले, आपने देखा होगा आजकल तो उसको जो चीज़ अच्छी लगती है ना उसके लिए बोलेगी वाओ, और उसने बड़े ध्यान से नोटिस करी लाइट्स और एकदम से बोली देखे लाइट्स वाओ। तो मेरा काम हो चुका था ऑलमोस्ट डन, यहाँ पे मैंने टेप वगैरह से इनको अच्छे से कर दिया है ताकि ये गिरे ना, और ये लाइट्स लग के हो गया था ऐसा लुक, और इससे ना एकदम से लाइट लाइट आई तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, और सर्दियों में ना थोड़ी कोजी कोजी फीलिंग आती है इनसे। The Roger Cahan Kale on YouTube Music. अब डीवा का मैंने म्यूज़िक चला दिया और वो बैठ गई थी अपने रैम सुनने, और यहाँ पे मैं अपना राशन करने लगी खाली और फिर आके बैठ गई। उसको बस ये था कि मम्मा कुछ कर रही है, कुछ नई चीज़ हो रही है, तो अब मैं जाऊँ वहाँ पे, और आके गोदी में चढ़ गई और मैडम ने काम करने नहीं देती, मतलब उसको ये होता गोदी में चिपके चिपके रहना, जब तक दीदी नहीं आएगी ना वो उसको पकड़ेगी नहीं, तो इसको यही रहता है कि गोदी में लो, इसको एक जने को गोदी में लेके रखना ही पड़ता है। तभी अभी सो के उठी थी, इसको जल्दी से कुछ खिलाऊंगी और फिर मेरा काम हो इसके लिए मैं इसको भेजूंगी बुआ के घर। तो इसका यही रहता है, या तो ये दीदी के पास जाती है या अपनी बुआओं के पास जाती है, वहाँ पे उसका टाइम पास होता है। अब छोटी इतनी है इसका तो ना तो स्कूल लगा सकते हैं ना ये कहीं जाती है, बट हाँ हर टाइम अभी एक्टिव इतनी हो गई, हर टाइम घूमती रहती है और शरारत करती रहती है। सो जैसे हमारी प्रेगनेंसी होती है ना, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, ऐसे ही हर बच्चा भी अलग है और उसको पालने का तरीका भी अलग है। काना के टाइम में अकेले उसको पालती थी, मतलब अकेले रखा था मैंने उसको वहाँ पे लुधियाना में, और कभी कभी हेल्प के लिए जैसे उसकी बुआ को मैं ले जाती थी तो वहाँ पे मतलब रहते थे, बट आधा टाइम मैं खुद अकेले भी इसको मैनेज करती थी। मेरे लिए इतना टफ नहीं था जितना कि डीवा का पूरी फैमिली के साथ है, क्योंकि डीवा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा नोटी भी है कान्हा के अकॉर्डिंग। तो शाम के स्नैक का टाइम हो रहा था, मतलब चाय का, और कान्हा को लगी थी भूख, उसने बोला मम्मा मुझे पनीर टिक्का खाना, उसने एक्चुअली पनीर देख लिया था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बेसन भूना, और बेसन भून के इसको एक साइड रख लिया, और थोड़ा सा जीरा भूना, कसूरी मेथी भूनी, इनको भी मैंने अलग रख लिया। तो पनीर टिक्के की रेसिपी बहुत ईजी है, अगर आपके घर में पनीर है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये चारों चीज़ें चाहिए होती हैं, और मेरे पास ना इनको सेकने के लिए सीख नहीं थी जिसमें इसको लगा के सेकते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज अलग तरीके से बना लेती हूँ, खाना तो इनको वैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा भुना और उसको फिर मैंने कूट लिया, जीरा पाउडर बना लिया कसूरी मेथी के साथ। यहाँ मैंने ली है फ्रेश दही, और बहुत गाढ़ी गाढ़ी है, आपको दिख रही होगी, अगर आपके पास पतली दही है ना तो उसको थोड़ी सी गाढ़ी कर ले, मतलब किसी कपड़े वगैरह में छान के लटका के रख दें ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। मैंने 2 चम्मच दही ली थी, 2 चम्मच बेसन लिया है, और जो जीरा और कसूरी मेथी भुनी थी वो, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ में डाला था चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में जाएगा इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नींबू का रस, तो यही सारी चीज़ें मिक्स करनी है इसमें। और ये जो हमने सामान मतलब ये तैयार करा है, इसमें अपनी पनीर और मसाले, मतलब सारी बाकी सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह, इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, तो इनसे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आपके पास मतलब पनीर वगैरह के लगाने के लिए सीख है तो उसमें लगा लीजिए, नहीं है तो कोई नहीं, आज मेरी तरह ऐसी जुगाड़ कर लीजिए कि डायरेक्ट मैंने उसको तवे पर ही सेक लिया था।
तो इतने मेरा मसाला ही तैयार हुआ, इतनी देर में डीवा घूम फिर के आ गया और मैंने यहाँ पे ना अपने पनीर काट लिया बड़े बड़े क्यूब्स में, मतलब क्यूब्स नहीं काटे उसके बड़े बड़े पीस काटे, क्यूब्स में काटना था मुझे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो अब वहाँ से काट के उसको एक जैसे बनाऊंगी, छोटे छोटे सेकने में दिक्कत होगी, बड़ा बड़ा काट देती हूँ क्योंकि मेरे पास सीख तो है नहीं, तो ऐसे ही लगा देती हूँ इनको। तो यहाँ शिमला मिर्च के सर्कल में मैंने पनीर स्टफ़ कर ली, ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था पनीर शिमला मिर्च, इस तरह से स्टफिंग करके मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया था, तो इसको आप ग्रेवी में डालेंगे तो स्टफ़ शिमला मिर्च की सब्जी भी बन जाएगी। और थोड़ा सा धुएं से ना जैसे भाप आ रही थी उससे ब्लर हो गया कैमरा, और ये इस तरह से मैंने सारे पनीर टिक्के बना लिए थे, बहुत टेस्टी लगे थे खाने में सबको। तो यहाँ मैंने अलट पलट के टमाटर शिमला मिर्च पनीर सब अच्छे से बहुत अच्छे से शैलो फ्राई करी, आपको इन पे गोल्डन गोल्डन सा कलर भी दिख रहा होगा, बहुत टेस्टी भी बने थे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और चाहें तो इनकी सब्जी भी बना लें। और आज का सारा डिनर कान्हा की डिमांड पे था, तो उसको था आज बिरयानी खानी है, मैंने फिर उसके लिए वेजिटेबल पुलाव बनाए बिरयानी स्टाइल में, तो उसकी रेसिपी भी दिखाती हूँ। मतलब अगर आप सिंपल पुलाव बना रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा बस इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल बिरयानी जैसा टेस्ट देगा। तो गाइज एक कुकर में मैंने यहाँ पे प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दी है, इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और साथ में मैंने एक पेस्ट बना लिया था प्याज का, लहसुन का, अदरक का, और डीवा कर रही है मेरे साथ ओवर वॉइस। देन मैंने इसमें यहाँ पे फिर प्याज का पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे और इसमें डालेंगे साथ में, जब इनको पीसेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा धनिया और सौंफ और जीरा ये भी साथ में पीसना है पानी डाल के, और इस जो पेस्ट बनता है ना प्याज लहसुन और अदरक का, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है बिरयानी में। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने काट ली हैं और इसके साथ मिर्च जो होंगी वो मोटी वाली मिर्च होंगी उनका यूज़ होगा, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टमाटर और मटर डाली थी और फिर सारी सब्जियाँ एक साथ ही डाल दी। इनको थोड़ा सा भून लेंगे, जैसे कि बीन्स, गाजर, आलू, मटर, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने वही ले ली थी जो पनीर टिक्का में से बची थी, तो ना बच्चे छोड़ ही देते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा फ्राई भी थी और उनमें फ्लेवर भी था, तो वही मैंने डाल दी। और टमाटर भी रखे हुए थे वैसे ही बना के, तो उनको भी ऊपर से इसमें लगा दिया था, और इसमें चावल ऐड करे, पानी ऐड करा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया इसमें। नमक वगैरह डाल के आप इसको बनाएं और ज़रूर खाएं, सर्दियों में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपने देखा ये वही टमाटर थे जो बच गए थे उसमें से, और शिमला मिर्च भी, तो मैंने इसमें यूज़ कर लिए, तो इससे बहुत चटपटा और बढ़िया टेस्ट आया। सो ये हमारे बनी बिरयानी कम पुलाव तैयार थे, और अभी हो गई थी रात, दीदी वगैरह चैफिन में चले गए थे तो वो पार्टी में गए थे। नेक्स्ट डे के लिए मैंने मटर वाले छोले भी कुक रख दिए, सुबह सुबह उठी खाना के लिए स्कूल के लिए वही मैंने तैयार करे थे मटर के छोले, तो यहाँ पे वो इतने उसमें सीटी लग रही हैं, और पहले मैंने तेज पे एक दो सीटी लगाई, उसके बाद मैंने सिम कर दिया, और यहाँ पे अपनी सब्जियाँ काट ली थी मैंने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मोटी वाली है तो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और साथ आटा लगाऊंगी, दही हमारी जम गई थी रात को, मैंने रख दी थी ये जमने के लिए। सो गाइस ऐसा होता है सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है, चाहे हमारी तबीयत ठीक है नहीं है, मन है नहीं है, बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है, और इस स्पीड से हमें काम करना पड़ता है ना सुबह सुबह। तो मैं फटाफट लग गई, यहाँ पे एक साइड चाय रखी, एक साइड छोले हो रहे हैं, और आटा भी गूंद रही हूँ, कहीं कुछ, तो ये सारा काम चल रहा था। उनको लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, लंच पैक करना पड़ेगा, और फिर उसको फ्रूट ब्रेक भी होगा, उसके लिए फ्रूट भी देने हैं, वाटर बॉटल भरने, फिर उसको तैयार करना है, नहलाना है, सर्दियों में बच्चे उठ के नहीं देते, उसके लिए उठाना मुश्किल, रेडी करना, इसी बीच में डीवा कई बार उठ भी जाती है, फिर उसको भी बीच में कुछ थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है या दूध देना पड़ता है, तो वो सो जाती है फिर से। तो ये सारा काम चल रहा था अभी मॉर्निंग में मेरा, और जो लाइट लगाई थी ना देखिए इस टाइप की हो गई थी, अभी सुबह ना थोड़ी ठंडी हवा के लिए मैंने फिर से ये खोल दी है, तो ये क्या ना आर पार से हवा आएगी इस तरह से, और ये बहुत अच्छी है मुझे, मतलब यूज़ करने में काफ़ी अच्छी लगी। ये नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे शॉप होती है ना जिनसे सोफे वगैरह बनते हैं, कुछ भी चिक्स वगैरह लगती हैं जिन पे पर्दे मिलते हैं, उनसे बनवाई थी, तो वहीं से मैंने बनवाई, आपने देखी 2-3 साल पहले। अब इनको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ किचन में। तो कान्हा के लिए बना दिया मैंने प्लेन पराठा और मटर वाले छोले थे, इससे बहुत टेस्टी लगता है, होममेड चीज़ थी, कह रहा मैम को भी ट्राई कराऊंगा, अब पता नहीं इसने कराया नहीं कराया। तो ट्रायंगल शेप के पराठे बन गए, चाय मैंने सबके लिए बना लिया, मैं नहा के फिर चाय ले लूँगी, और इस टाइम उठ के मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो इसके लिए मुझे रहता है कि मैं सुबह सुबह ना पहले एक कप चाय ले लूँ,
पर अपना काम स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर गर्म पानी लेती हूँ या चिया सीड वाटर लेती हूँ। और उसके लिए मुझे बहुत लोग पूछते हैं उसको कैसे लेते हो आप, तो चिया सीड को रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उसमें या तो गर्म करके हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ या फिर ऐसे ही पानी में ले लेती हूँ। तो मटर के छोले तैयार थे, अब कान्हा जा चुका है स्कूल और यहाँ पर पूरा जो बिस्तर उस्तर फैले हुए थे अब मैं उसको समेटूँगी और अपने काम में लग जाऊँगी नेक्स्ट डे की मैं। अभी डीवा भी उठ गया है और डीवा का रूटीन है कि वो उठते ही नहाती है, मतलब उसको उठते ही नहाना होता है। सो मैं उठ उसको लेके गई और इसको नहलाया, इसके साथ साथ फिर मैंने भी नहाई, दोनों नहा धो के इसको फिर धूप में लेके गई थोड़ी देर छत पे, वहाँ पे ये खेलेगी। और आज मिलवाती हूँ आपको कुछ न्यू मेम्बर्स से, घर में हमारे बहुत सारे नए नए मेम्बर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे। तो ये आ गए हमारे छत पे, मिट्टू है, उसका एक और पार्टनर आ गया है, दो आ गए हैं और छोटे छोटे बर्ड्स, और छोटी छोटी वाली बजरी बर्ड्स तो काफ़ी सारी हैं। देखा आ गया मिट्टू, मिट्टू को खिला दे, मिट्टू मिट्टू एप्पल खाएगा। और दिवाली के गई थी इनके लिए फन फ्लिप्स, इसने ले जाके उनको खिलाए छत पे और ये बड़े मज़े से खाते हैं और एक दूसरे को अगर एक को नहीं मिलता है ना इतनी देर में लड़ाई करते हैं। किसी दिन आपको व्लॉग में इनको अच्छे से दिखाऊंगी। अभी सुबह थी, मेरा काम पड़ा हुआ था, डीवा रो रही थी तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि दीदी बच्चों को छोड़ने गई हुई थी तो मैंने सोचा फटाफट से इसको छत पर घुमा के ले आती हूँ, थोड़ी देर धूप भी मिल जाएगी, सुबह सुबह की धूप अच्छी रहती है सर्दियों में इसी, तो इसलिए अब इसको लेके जाऊँगी वापस नीचे। और मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ था और आज करनी थी थोड़ी बहुत क्लीनिंग, जैसे होता है ना अपना काम निपट गया था और यहाँ पर मैंने अपने कुछ ड्रॉर्स खाली करे क्योंकि उसमें ना सामान भरते चले जाते हैं हम बच्चे भी, वो कहीं कुछ पड़ा था कहीं कुछ पड़ा था। और दिवाली के बाद अभी कुछ ही दिन गए और देखिए फिर से बच्चों ने इतना कचरा मचा दिया हमारे, तो मतलब इतना ज़्यादा बच्चे कर देते हैं। तो मैं ये सामान ही ढूंढ रही थी, मेरा कहाँ गया कहाँ नहीं, एक मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान था वो गुम हो गया था, वही ढूंढ रही थी। फिर मेरे पास थी ये लिपस्टिक मंगाई थी तो वही मैंने अप्लाई करी और ये बहुत प्यारी लिपस्टिक के शेड हैं, ये हैं 399 में और ये माई स्टोर से थी। आपको इंस्टा पे इनके लिंक मिलेंगे और यहाँ पे मैंने अप्लाई भी करी, देखी कैसी है तो अच्छी थी, अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, 11 आती हैं ये, तो इनके लिंक वगैरह आपको इंस्टा पे ही मिलेंगे गाइज। तो चलिए चलते हैं फिलहाल के लिए, बाय बाय।